एनिमल में जैसा एक्शन था ना, सेम वैसा ही एक्शन बताया गया। इतना वायलेंस है कि घर पे जाके शायद आप अपनी औरत को मारने लगो। 5 में से मूवी को कोई स्टार मत दो, सबसे पहले पकड़ के ना फरहान अख्तर से पूछो कि मूवी क्यों प्रोड्यूस किया। युद्रा नहीं, ये कचरा थी कचरा। लेकिन मैं तो राघव के लिए आया था, हाँ वहाँ मेरा पैसा वसूल हुआ, क्योंकि राघव की किल मूवी में जहाँ पे एक विलन का काम था, उसके बाद 11 वेब सीरीज में पुलिस वाले बने थे, यहाँ पे फिर अगेन वो विलन का काम किया, तो राघव के लिए तो भाई बनता है, क्योंकि कॉकरोच मेंढक हो गया भाई। युद्रा 1 time वॉच मूवी है, एक्शन काफ़ी अच्छा है। लाइक एनिमल में जैसा एक्शन था ना, सेम वैसा ही एक्शन बताया गया। इतना वायलेंस है कि घर पे जाके शायद आप अपनी औरत को मारने लगो, इतना वायलेंस है मूवी में। तो अदरवाइज मूवी का एक्शन काफ़ी अच्छा है, इम्पैक्टफुल है, डायरेक्शन भी इम्प्रूवमेंट हो सकता था, बट कहीं ना थोड़ा स्टोरी वाइज मूवी थोड़ी वीक है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने गली बॉय से आई थिंक अपना डेब्यू किया था बड़ी स्क्रीन पर, तो वो बेचारा लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। वो जब जब आता है ना स्क्रीन पर, ऐसा लगता है कि को रियल का घोड़ा है, घोड़ा जो रहता है ना वो ऐसा लगता है। तो उसका हीरो वाला फेस नहीं है अभी। करण जौहर की मिठाई ले ले के वो मतलब हीरो बन गया है, लेकिन ज़्यादा लंबी रेस का घोड़ा बिल्कुल नहीं है। एक्शन का अच्छा है यार, एक्शन में देखोगे ना स्टार्ट टू एंड पूरी मूवी में एक्शन ही एक्शन है। मैं बोल रहा हूँ ना, जो आदमी परेशान है मुंबई की ट्रैफिक से, जो परेशान है अपने घर वालों से, जो परेशान है लोकल ट्रेन से, वो घर पे जाके ज़रूर झगड़े करेगा, थिएटर के बाहर आके अपने बाल ज़रूर नोचेगा। एक्शन काफ़ी अच्छा है मूवी का, पर अदरवाइज मूवी में स्टोरी नहीं है। और जो हीरो ने क्या नाम है उसका, मालविया, वो तो भाई जब जब स्क्रीन पर आई है ना पैसा वसूल हो गया, मतलब एकदम सिंपल एंड हॉट सेक्सी। 5 में से मूवी को कोई स्टार मत दो, सबसे पहले पकड़ के ना फरहान अख्तर से पूछो कि मूवी क्यों प्रोड्यूस किया। आई थिंक फरहान अख्तर ने मूवी प्रोड्यूस की है ना, तो उनसे पहले पूछो कि भाई ऐसी मूवी आप प्रोड्यूस क्यों कर रहे हो। युद्रा नहीं, ये कचरा थी कचरा, क्योंकि वर्ल्ड सिनेमा डे 99 rupees में एक्शन पिक्चर है, सिद्धांत चतुर्वेदी फर्स्ट टाइम एक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, लेकिन मैं तो राघव के लिए आया था, हाँ वहाँ मेरा पैसा वसूल हुआ, क्योंकि राघव की किल मूवी में जहाँ पे एक विलन का काम था, उसके बाद 11 वेब सीरीज में पुलिस वाले बने थे, यहाँ पे फिर अगेन वो विलन का काम किया, तो राघव के लिए तो भाई बनता है, क्योंकि कॉकरोच मेंढक हो गया भाई, कि जहाँ स्लो मोशन था वहाँ पे इतना फास्ट हो गया वो, कि भाई कहाँ से कहाँ आ गया वो। और रही बात, तो इसके अंदर एक हीरोइन भी है मालविका मोहन, जो साउथ की एक्ट्रेस है और यहाँ पहली बार काम किया। चलो ठीक है, अभी तो पहली पिक्चर है यहाँ बॉलीवुड में, तो ठीक ठाक था, लेकिन मैडम बहुत कुछ सीखना पड़ेगा अभी, ये बॉलीवुड है। और रही बात, और भी इसके अंदर 2 सीनियर एक्ट्रेस है, गजराज राव और राम कपूर, तो यार बड़े अच्छे लगते हैं। राम कपूर तो मतलब यार एकदम फाड़ू एक्टर है वो तो। और स्टोरी में तो कुछ समझ भी नहीं आया मेरे को, यहाँ एक्टिंग अच्छी थी, फाइटिंग सीन्स था, राघव का विलन का रोल सबसे बेस्ट। कौन सा पार्ट अच्छा लगा आपको, पहला या दूसरा? ये पहला फास्ट था ना, इंटरवल से पहले या इंटरवल के बाद? नहीं, आधा एपिसोड खत्म होने के बाद सबसे बेस्ट। अच्छा, क्या रेटिंग दोगे आप? बढ़िया, 5.5। उधर देखिए, ठीक लगा बोलते हैं। कैसी लगी आपको? अच्छी है, फाइटिंग ठीक है। और काम कैसा लगा सिद्धांत चतुर्वेदी का? काम अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, अच्छा काम है, अच्छा है। एक्शन है कि नहीं? एक्शन उसमें है, एक्शन उसमें है, एक्शन है, अच्छा है, अच्छा लगा मुझे। 5 में 3 देंगे। हमारे सिद्धांत भाई की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, उसके अंदर हीरो का रोल भी, और एक्शन और थ्रिलिंग मूवी, एक नंबर मूवी। आप लोग, मैं कहता हूँ आके देखिए, मेरी तरफ से 5 out of 4 है, बहुत अच्छी मूवी लगी, एक्शन बहुत अच्छा था, और विलन का भी ट्विस्ट एक नंबर है मूवी में, एक्शन और थ्रिलिंग बहुत अच्छी है। सिद्धांत चतुर्थी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है मेरे हिसाब से, तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि गली बॉय के भाई डायरेक्ट, अभी मैंने उनकी वाली मूवी देखी है, उसके अंदर बहुत अच्छी एक्टिंग लगी इनकी। एक्शन तो बहुत, एक्शन बहुत है, एक्शन, हाँ बहुत अच्छे से उन्होंने एक्शन किया, और स्क्रिप्ट भी एक नंबर है मूवी की। बस थैंक यू। हाँ देखिए, एक्शन और रोमांस दोनों अच्छा था भाई, फिल्म एक नंबर थी, एक्शन और रोमांस दोनों अच्छा था, देखना चाहते हो सब जन देख सकते हैं। बहुत अच्छी लगी भाई, फर्स्ट पार्ट बहुत सबसे अच्छा था, सेकेंड पार्ट में भी रोमांस अच्छा लगा। बस 4.5 से 5 से।